वेलकम माई यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मैं कुश राज। अगर आपको ऐसा फोटो एडिटिंग कराना है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करके जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम आपको ऐसा फोटो एडिटिंग लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक फ़ोटो ले रहे हैं। हम यहाँ से एक अपना फ़ोटो ले लेंगे। हम पहले रेमनी और ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर ऐसे हम अपना फ़ोटो को क्लीन करेंगे। तो हमारा ये रहा फ़ोटो, हम इसको चूज कर लिए। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा थोड़ा सा ऐड आएगा, हमारे ऐड आएगा इस पर। तो ये देखिए हमारा ऐड आ गया है। तो ये ऐड आता है तभी क्लीन होता है फ़ोटो। तो हम यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर ले रहे हैं। देखिए हम यहाँ से फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ऐड आएगा। तो ये देखिए ऐड आ गया। फिर यहाँ से हम ऐड को स्किप करेंगे। फिर यहाँ से हम अपना फ़ोटो डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको लाइटरूम में शेयर करेंगे। तो हम लाइटरूम में शेयर कर ले रहे हैं। तो हमने लाइटरूम में शेयर कर लिया फ़ोटो को। शेयर करने के बाद फिर यहाँ से हम अपना लाइटरूम ओपन कर ले रहे हैं। तो हमारा यह रहा फ़ोटो। तो हम यहाँ से अपना कॉपी कर लेंगे, जो हमको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से अपना कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम अपना फ़ोटो पर क्लिक करके अपना ओपन कर लेंगे। फिर इस थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर यहाँ से अपना पेस्ट कर ले रहे हैं। पेस्ट करने के बाद फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसको शेयर करेंगे। फिर ये फ़ोटो को हम फिर लाइटरूम शेयर में शेयर करेंगे। तो हमारा ये पहले वाला था, तो ये वाला अब वाला है। तो हम फिर यहाँ से दूसरा लेयर कॉपी करेंगे। तो हमारा ये वाला अब का है। तो हम यहाँ से अपना यहाँ से दूसरा लेयर कॉपी करेंगे। तो हम इसी को कॉपी कर ले रहे हैं। अपना लेयर कॉपी कर लिया है। हम यहाँ से अपना फ़ोटो यहाँ कॉपी कर ले रहे थ्री डॉट पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर साइन वाला पर क्लिक कर देंगे। फिर हम जो शेयर किए थे अभी उसको क्रॉप करके तो हम यहाँ से फिर इस पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा लाइट ज़्यादा हो गया। तो फिर हम इस फ़ोटो को फिर हम यहाँ से सेव कर ले रहे हैं। तो हम अपना फ़ोटो को सेव कर लेंगे यहाँ से। हम इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद फिर हम इसको शेयर करेंगे स्केच बुक के अंदर। तो हम यहाँ से स्केच बुक ओपन कर ले रहे हैं। तो हमारा ऐप लिया ओपन करने के बाद फिर डिसमिस करके फिर यहाँ से हम अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा एरा फ़ोटो हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और फ़ोटो में लाइट देंगे। तो हम यहाँ से अपना ये वाला इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम क्लिक करके ले रहे हैं, अपना टूल सिलेक्ट कर ले रहे हैं ए वाला। तो हम अपना ये वाला टूल सिलेक्ट कर लिया। टूल सिलेक्ट करने के बाद हम फिर यहाँ से अपना साइज़ देख लीजिए। ब्रश का साइज़ देखने के बाद अच्छी तरह से साइज़ देख लीजिए। इसको सॉ करिएगा आप, सिटी को साइज अपने अनुसार रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर वहाँ पर लेयर वाले पर कॉपी करेंगे। हम उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से लेयर कॉपी होता तो हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर ले रहे हैं। यहाँ से हमारा लेयर कॉपी हो जाएगा। तो हम कॉपी कर लिए हैं। फिर इसी के ऊपर क्लिक करेंगे जो लेयर कॉपी किए थे। तो हम यहाँ से फिर यहाँ से नॉर्मल है जो उसको हम यहाँ से सॉफ्ट लाइट करेंगे। ये जो नॉर्मल है उसको हम सॉफ्ट लाइट करेंगे। तो हम यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर ले रहे हैं। ये रहा सॉफ्ट लाइट, हम इसको सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। यहाँ से हम सॉफ्ट लाइट कर ले। सॉफ्ट लाइट करने के बाद फिर हम सॉफ्ट लाइट करने के बाद फिर यहाँ से हम कलर को चूज कर लेंगे। तो हम कलर वाले पर क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ से अपना कलर वाइट को चूज करेंगे। हम वाइट को चूज कर ले रहे हैं। इसको 50 रहने दीजिएगा। करने के बाद फिर हम इसको कट कर देंगे और फ़ोटो को जूम करके हम फ़ोटो के ऊपर चला लेंगे। तो हम ब्रश को बड़ा कर ले रहे हैं और हम चला ले रहे हैं फ़ोटो के ऊपर। तो हम अपने फ़ोटो के ऊपर हम जल्दी से चला ले रहे हैं। हम जूम करके अच्छी तरह से हम चला ले रहे हैं। तो ये हमारा देखिए साफ़ हो रहा है। तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं अपने फ़ोटो के ऊपर। हम यहाँ से चला ले रहे हैं। हमने चला लिया ब्रश को। ब्रश को चलाने के बाद फिर यहाँ से हम इसको मर्ज कर देंगे। हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ से लेयर एक कॉपी कर लेंगे। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इसको सॉफ्ट लाइट करेंगे। लेयर क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे कलर वाले पे। कलर वाले पे जाने के बाद फिर यहाँ से अपना कलर को चूज कर लेंगे और ब्रश वही रहेगा हमारा। तो हम ब्रश का साइज़ छोटा कर ले रहे हैं और इसको हम ओट के ऊपर चला ले रहे हैं। तो देखिए हमारा ओट पे
लग गया, ये हमारा देखिए कलर लग गया, तो हम यहाँ से लिपस्टिक हमारा हो गया है। तब फिर यहाँ से हम इसको मर्ज कर देंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा कम करके मर्ज कर ले रहे हैं। तो हम अपना फ़ोटो को मर्ज कर लेंगे, तो फिर यहाँ से मर्ज करने के बाद फिर हमको ए वाला ब्रश चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद इतने इतना साइज रहेगा और फिर हम फ़ोटो को जूम करेंगे और देखिए हम ब्रश को चलाएंगे तो हमारा स्मूथ हो रहा है, तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं फ़ोटो के ऊपर। देखिए हमारा स्मूथ हो रहा है तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं, आप भी चला लीजिएगा फ़ोटो को जूम कर करके। तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं जूम करके, ये रहेगा ब्रश का साइज था। तो हम जल्दी से चला रहे हैं फ़ोटो के ऊपर, तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं और फ़ोटो को जूम जूम कर कर के अच्छी तरह से चलाइएगा ना तो काला काला सा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आईब्रो कटिंग करेंगे। तो हम आईब्रो कटिंग करने के लिए ये वाला ब्रश को साइज चूज कर ले रहे हैं। चूज करने के बाद फिर हम इसे फ़ोटो को जूम करेंगे और उस इसके ऊपर चलाएंगे। तो देखिए हमारा आईब्रो कटिंग हो रहा है, तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं दोनों, हम दो कटिंग कर ले रहे हैं। करने के बाद ये हमारा हो गया, ये हमारा दोनों कटिंग हो गया है। होने के बाद देखिए हमारा ये कितना अच्छा लगने लगा, फिर हम इसको सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर ले रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद फ़ोटो सेव हो गया है। तो हम इस फ़ोटो को सेव करने के बाद फिर हम इसको शेयर कर ले रहे हैं पिकशॉट के अंदर। तो हम पिकशॉट के अंदर शेयर कर ले रहे हैं, तो हमारा पिकशॉट के अंदर हम अपना फ़ोटो को शेयर कर दिए। शेयर करने के बाद फिर यहाँ से हम दो लेंस ले लेंगे, तो हमारा ये रहा, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा दो लेंस सेलेक्ट हो गया। और फिर हम जूम कर कर के फ़ोटो को जूम करके इसको जूम आउट करके हम अच्छी तरह से फ़ोटो के ऊपर लगा देंगे। तो देखिए हम अपने आँख के ऊपर लगा ले रहे हैं लेंस को, तो हम जल्दी से लगा ले रहे हैं लेंस को, बैठा लेंगे पहले फर्स्ट वाले को बैठा ले रहे हैं अच्छी तरह से। तो हम जूम करके अच्छी तरह से बैठा ले रहे हैं, जल्दी से अभी बैठा लीजिएगा। तो हमने ये दोनों लेंस लगा दिए, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। तो देखिए हमारा एक कितना अच्छा लगने लगा। अब फिर हम फ़ोटो को स्मूथ करेंगे, तो स्मूथ करने के लिए फिर यहाँ कॉल टूल्स पे हम क्लिक करेंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से छोटा करके और अच्छी तरह से हम इसको स्मूथ करेंगे। करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको फिर हम सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाने के बाद इन्वर्ट कर दिए, इन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम अपना फ़ोटो जूम करके और अच्छी तरह से चला लेंगे। तो हम यहाँ से जल्दी से चला ले रहे हैं, आप भी चला लीजिएगा। तो हम जल्दी से चला ले रहे हैं, हमारा ये बैकग्राउंड हम बैकग्राउंड को ब्लर कर दिए हैं। ये देखिए हम बैकग्राउंड को ब्लर कर दिए, करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है उसको हम कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें।